वेलकम टू हाउ टू कुक दैट। आज हम बनाएंगे चिकन मैगी। चिकन मैगी के लिए सबसे पहले हम पैन में 2 टीस्पून तेल लेंगे। मैंने 5 से 6 लहसुन के टुकड़े बारीक काट लिए और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा बारीक काटा है, उसको मिक्स करा लेंगे। एक मिनट के लिए इसको शैलो फ्राई करेंगे। गार्लिक हमारा हल्के से फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं एक प्याज कटा हुआ लंबा ही काटा है तो थोड़ा सा बारीक है। प्याज को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा वरना। अब इसमें मसाला डालेंगे। इसमें मैंने लिया है 1/4 हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर तीखेपन के हिसाब से आप ले सकते हैं, और मैंने डाला है 1/2 चम्मच चिकन मसाला। ये मसाला इसमें मिक्स कर लेंगे, तो अच्छे से मिक्स करिए और इसे भी 2 मिनट तक हल्के से भूनिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 बारीक पटा टमाटर। अब इसमें हमने डाला है बारीक कटा हुआ गाजर। तो कसा नमक स्वाद के अनुसार। मैंने मैगी की एक बड़ा पैकेट लिया है जिसके अंदर 2 टेस्ट मेकर है, 1 टेस्ट मेकर मैं अभी मिलाऊंगी। इसमें 1 टेस्ट मेकर मिला दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि गाजर और टमाटर पक जाए। टमाटर और गाजर हमारे हल्के से पक गए हैं। मैगी में ये होता है कि बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े लंबे कटे हुए शिमला मिर्च। एक 1/2 बाउल बारीक कटा हुआ गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज। चिकन मैगी के लिए मैंने 1 बोल चिकन लिया है। इस चिकन को बनाने के लिए मैंने चिकन में हल्का सा नमक, हल्दी और काली मिर्च डाल के विसिल लगा दी, फिर सिर्फ उसका जो पीसेस है उसको छोटे 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 टुकड़े कर दिए हैं और उसे लिया है। अब ये चिकन हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 210 ml पानी। अब हम इसमें बचा हुआ जो 1 टेस्ट मेकर है, हमारे पास 2 पैकेट थे, हमने एक पहले यूज़ कर लिया, बचा हुआ 1 पैकेट हमने अब इसे यूज़ किया है, इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे और जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें मैगी डाल देंगे। पानी उबल गया है, अब हम इसमें अपनी मैगी मिला देंगे, इसको अच्छे से इसको डिप करिए। करके हम मैगी को 2 मिनट के लिए ढक के पका देंगे। हमारी मैगी अच्छे से पक गई है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे।